हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो बहुत दिन बाद किचन से वीडियो शूट कर रही हूँ और उसका रीज़न ये भी है कि मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने आई हूँ। मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, एक दो दिन में आफ्टरनून रूटीन भी शेयर करूंगी, लेकिन उस पार्ट को मैंने अभी रोक दिया है। उससे पहले आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इवनिंग में ऐसी क्या चीज़ लेने से आप बहुत ही जल्दी अपने फैट को, अपनी बॉडी की चर्बी को कट करके बाहर निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जिनको कब्ज की दिक्कत रहती हो, जिनको स्किन प्रॉब्लम रहती हो, मुहासे रहते हो, पेट नहीं साफ होता हो और पेट का फैट बहुत ज़्यादा हो। मेरे साथ क्या था कि आफ्टर डिलीवरी पेट का एरिया बहुत ज़्यादा था, उसकी स्टोरी भी मैं बता चुकी हूँ मेरे साथ क्या है, और मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों के साथ ना हो। मैंने काफ़ी झेला है आफ्टर डिलीवरी, यानी कि 9 मंथ तक मेरे साथ ऐसा था कि मुझे लगता ही नहीं था मेरी डिलीवरी हुई, यानी कि इतना पेट निकला था कि लगता था अभी भी बेबी अंदर है, और मुझे कोई भी देखता था तो यही बोलता था आपके ट्विंस हैं, जबकि ट्विंस नहीं थी, यानी इतना ज़्यादा पेट बड़ा था। और जब बेबी हो गया उसके बाद भी वो पेट अंदर नहीं गया, तो उस पेट को अंदर करने में मुझे टाइम लगा, लेकिन साथ ही साथ उस पेट को मैंने अंदर किया और एक भी स्ट्रेच मार्क नहीं है। वो स्ट्रेच मार्क का भी वीडियो जो है वो मैं अपने नेक्स्ट चैनल पे डालूंगी, सुगम ब्यूटी जिम। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही हूँ कि अपने टमी फैट को मैंने किस तरह से कम किया, और फुल बॉडी में फैट आ गया था, यानी कि मैं बिफोर जब मैंने कंसीव किया था तब मैं 58 की थी, और इस पूरी जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया है फिर 78 पे, 79 के बाद आज मैं 50 पे आई हूँ। तो 78 पे मेरा जो टमी था और 50 पे जो टमी है, उस गैप को मैंने कैसे कम किया, उस पेट को मैंने कैसे कम किया, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिकॉज टमी बढ़ने का एक कारण जो हार्मोनल रीजन है, उसके वीडियोस में ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि हार्मोन्स जो इनबैलेंस है उन्हें बैलेंस करके आप किस तरह से फैट कम कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से मैं डाइट भी करती हूँ वो भी आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों में एक इवनिंग स्नैक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। मेरे साथ क्या है कि मुझे ना मॉर्निंग क्रेविंग होती है, ना नून क्रेविंग होती है, ना ही नाइट क्रेविंग होती है। मेरे साथ है इवनिंग क्रेविंग होती है, यानी कि जब मैं अपना वीडियो शूट करके, अपना लैपटॉप पे वर्क करके वीडियो अपलोड करने के बाद उठती हूँ एक रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे लगता है मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। लेकिन उस क्रेविंग को मैंने कल से कंट्रोल किया, और जिस भी टाइम, देखिए हर एक बंदे का अपना एक क्रेविंग टाइम होता है, मेरा क्रेविंग टाइम 4 to 5 है, आपका मे बी 9 से 10 बजे हो सुबह, रात का 11 से 12 हो, 1 बजे भी हो रात का, आपका रात शाम को 9-10 बजे का हो, टीवी देखते हुए क्रेविंग हो बहुत से लोग। लेकिन इसका ये जो मैं आज आपको चीज़ बताऊंगी, अगर आप इसको जी भर के भी खा लोगे ना तो आपको फैट बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, फैट तो मतलब चढ़ेगा ही नहीं, इवन फैट गलेगा आपकी बॉडी से, कट कट के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसका काफी, अगर मुझे क्रेविंग होती है, इवन अगर आप कहीं बाहर भी गए हो आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप इसको फ्री होके ले सकते हो। मेरे साथ क्या है, मैं हमेशा जब बाहर जाती हूँ तो अपना टिफिन लेके जाती हूँ, मैं बाहर का जल्दी नहीं खाती हूँ। आप अपने टिफिन में टेस्टी टेस्टी फूड अपने दिमाग में रखिए कि जब आपको बाहर जाना है तो आपको क्या लेके जाना है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाक से अपना स्नैकिंग दिखाते हैं कि मैं क्या लेती हूँ, और इस स्नैक को मैं कभी भी ले लेती हूँ, आप इसे घर में स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज की भी जरूरत नहीं है आपको इसके लिए, इसके लिए इसे आप ऑफिस में लेके जा सकते हैं, हर जगह आप इसको ले जा सकते हैं, ट्रैवल में भी आप इसको ले जा सकते हैं, अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे स्नैकिंग का सबसे अच्छा है, स्किन ग्लो करती है, यूरिन इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, जिनको भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, यूरिन पास नहीं होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, और मतलब स्किन तो बहुत ही शाइन करेगी। और एक चीज़ और है, जैसे कि मुझसे बहुत से लोग, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, वो मुझसे पूछती हैं कि सुगम मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट ना बढ़े प्रेगनेंसी में, और हम उतने ही वेट पे रहें, मतलब ना ज़्यादा बढ़े, 2-3 किलो बढ़ जाए इट्स टू मच, लेकिन इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो ये जो स्नैकिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि
हमारा प्रेगनेंसी में बहुत खाने का मन था, मेरी क्रेविंग क्या होती थी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों को हंसी आएगी। मेरी जो क्रेविंग थी वो सिर्फ एक हरी मिर्च होती थी, जो चिली होती है, उसके अलावा मुझे ना अचार की क्रेविंग होती थी, किसी भी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती थी, बस मुझे हरी मिर्च देख के बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और मेरा मन करता था मैं हरी मिर्च खाऊँ, जो कि लोग मना करते थे कि ये बेबी के हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करती थी। लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है, अचार खाने की क्रेविंग होती है, जंक फूड खाने की क्रेविंग होती है। अब मैंने बातें बहुत कर ली हैं, साथ ही साथ स्नैक बताऊंगी और ये स्नैक आप भी ले सकते हैं, आपके बेबी के लिए काफी हेल्दी रहेगी। तो चलिए दिखाते हैं कि मैं कौन सी स्नैक लेती हूँ। सो फ्रेंड, जिस स्नैक की बात कर रही थी वो है मेरा कोकोनट वाटर, जिसको ऑलरेडी मैंने अभी एक फिनिश किया हुआ है और ये मैं मंगवाती हूँ बिग बास्केट से, जिसको घर में स्टोर करती हूँ और 6 से 7, 8 से 10 एक बार मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं और लोग भी घर में इसे कंज्यूम करते हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए इससे अच्छा अल्टरनेटिव आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके स्किन से रिलेटेड, पेट की चर्बी से रिलेटेड, इससे अच्छा आपको फाइबर किसी में नहीं मिलेगा, आपके बेबी के लिए इससे अच्छा कोई चीज़ नहीं होगी और ये चीज़ आप फ्री हो के ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जिस चीज़ आपको उठे अपने से ले लिया, आपकी जितनी भी क्रेविंग है ख़त्म हो जाएगी। सेकंड चीज़ मैं बात करूँगी, फिलहाल तो इस डिब्बे में जो है ख़त्म हो चुके हैं, मेरे दूसरे डिब्बे में रखे हैं लोटस सीड की, अभी ये नॉर्मल है क्योंकि मैं इन्हें फ्लेवर बनाने जा रही हूँ, वो मैं वीडियो आपको बाद में दूंगी, फिलहाल अभी 1 किलो मेरे स्टोर में रखे हुए हैं। तो लोटस सीड से अच्छा कोई भी स्नैकिंग नहीं है, इसमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, जितनी भी बॉडी को नीड है वो सारी चीज़ें मिलते हैं और फ्लेवर्ड आप इसे लेके खा सकते हैं, जी भर के, बाउल भर के आप इसे खाइए। करीना कपूर खुद जो वेट लॉस के प्रोसेस में थी, उन्होंने खुद इसे अपनी डाइट में शामिल किया, जब भी कुछ खाने का मन हो आप इसे खा लीजिए, अपने टिफिन बॉक्स में रखिए, ठीक है। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस जाते हो, आप चाय के साथ इसे ले सकते हो, कॉलेज गर्ल हो, घर में हो, कोई भी हो, आप इसे ले सकते हैं। इस कोकोनट ऑयल को अपनी बॉटल में भरिए, 1 से 2 ले जाइए ऑफिस स्नैकिंग टाइम में, अपने इसको अच्छे से रोस्ट करके रखिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए, यंग दिखने के लिए, अपने बेबी के हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में आपको यंग रखेंगी। आप अपनी उम्र से 10 बोलते हैं कि 10 साल तक जवान लगोगे, अगर आप 40 के हो तो 30 के लगोगे, 30 के लगोगे हो तो 20 के लगोगे। तो ये मेरा स्नैकिंग टाइम है जिसे मैं लेने जा रही हूँ अभी फिलहाल, तो मैं और निकाल के लेके इसे फ्लेवर बनाने वाली हूँ और कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर भी लूँगी। तो जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ 1 से 2 बॉटल में भरती हूँ, अपना ये लेती हूँ और खाना स्टार्ट कर देती हूँ, किसी से मंगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिएगा कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। सो फ्रेंड्स, देखा ये स्नैकिंग हर किसी के लिए परफेक्ट है और आप लोटस सीड को डिफरेंट टाइप बना सकते हैं। वैसे मैं इसका एक वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन मैं फिलहाल आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ। आप पैन लीजिए, पैन में ऑलिव ऑयल डालिए, जीरा डालिए, उसमें अगर आप चाट मसाले वाला खाते हो चाट मसाले वाला डालिए, लहसुन वाला खाते हो लहसुन वाला खाइए, पुदीना वाला तो पुदीना पीस के डाल दीजिए। अगर लोग जो हींग का फ्लेवर आता है, मतलब आप उसमें फ्लेवर दे सकते हो ऑलिव ऑयल के साथ। अब तो मार्केट में भी लोटस सीड का जो है पैकेट एज अ स्नैक भी अवेलेबल है, आप उसे भी ले सकते हो। मैं अगर आपको बताऊं तो लखनऊ में, मैं अभी लखनऊ सिटी में हूं और लखनऊ में मखाने का स्नैक अभी 35 रुपीज का अवेलेबल है, और जब मैं अभी दिल्ली गई थी, रिसेंटली दिल्ली गई थी, वहां पे ये पैकेट 10 रुपए का है। तो इतना चेंज है अभी, ये गैप भी जल्दी जल्दी भर जाएगा, लेकिन आप इसे घर में ले सकते हैं। इवन मैं बताऊं तो मेरे यहाँ तो आधा से 1 किलो तक लोटस सीड आते हैं और हर कोई इसे खाना प्रेफर करता है, क्योंकि मैं इसके फ्लेवर अलग अलग अपने घर में स्टोर करती हूँ। उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी और कल मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस ग्रॉसरी शेयर करूँगी कि मैं वेट लॉस के लिए अपनी ग्रॉसरी में क्या क्या रखती हूँ, क्योंकि इसका वीडियो बहुत ज़्यादा आ चुका है, इसका मतलब सॉरी वीडियो नहीं, इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है कि मैं अपनी ग्रॉसरी में वेट लॉस के लिए क्या क्या रखती हूँ। तो वो जो एक पार्ट मैंने परचेज किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और नून जो है आफ्टरनून जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी, बिकॉज सबसे मेजर पार्ट वेट लॉस का वही है। और अपनी जो है एज अ वूमेन
अपनी जितनी भी हेल्थ है हार्मोनल हेल्थ से जो है संबंधित, साथ ही साथ आप मान लीजिए ओवरी के हेल्थ के लिए मैं क्या लेती हूँ, और साथ ही साथ मैं वेट लॉस से रिलेटेड क्या चीज़ लेती हूँ, आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे मैं दूंगी। तो इस सारी चीज़ों के साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो आई थिंक है, क्योंकि कल तो मैं अपने ग्रोसरी से रिलेटेड वीडियो डालूंगी। वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगा और लाइक कर दीजिएगा, और स्किन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मेरे नेक्स्ट चैनल पर मिलेंगी, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दिया हुआ। आई थिंक आपको मेरी स्किन भी काफ़ी शाइनी दिख रही होगी, और ये एक DIY से है, मैंने कोई भी इस समय क्रीम नहीं ले रही हूँ, लगा रही हूँ, और वो क्रीम जो मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, गुलाब जल ग्लिसरीन नींबू, सिर्फ जाड़े में मैं यही लगाती हूँ। लेकिन जो DIY अभी मैं कर रही हूँ वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।